गाइस समर सीजन तो एंड हो गया लेकिन आपके स्किन प्रॉब्लम का एंड हुआ? समर जाते जाते हमारे स्किन में कई सारी प्रॉब्लम छोड़ जाता है जैसे कि एक्ने पिंपल्स, टैनिंग एंड पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स। सो गाइस डोंट वरी। हे एवरीवन, दिस इज मी शंपा रॉय एंड टुडे यू आर वॉचिंग ग्लैमॉक स्टाइल। आज मैं आपके साथ दो ऐसे बेनिफिशियल फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपकी स्किन इंस्टेंट ब्राइट ग्लोइंग एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो गाइस, और इस दो पैक से आपकी स्किन सिर्फ ब्राइट ग्लोइंग नहीं होगी और आपके एक्ने मार्क्स, अगर आपके काफ़ी सारे रिंकल टैनिंग हो चुके हैं सन की, तो वो भी आपकी बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सो डोंट फर्दर टू लेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट फेस पैक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है बेसन। आप एक एम्प्टी बाउल में 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करें, 1 टेबलस्पून आटा। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है पिंच ऑफ टर्मरिक। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। गाइस मैंने यहाँ पे अपना होममेड रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, आप मार्केट वाला रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको होममेड रोज़ वाटर के मेथड जानने हैं तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, गो एंड चेक इट आउट। सो गाइस यहाँ पे 2 to 3 स्पून रोज़ वाटर के ऐड करने हैं, इससे हमारी कंसिस्टेंसी अच्छी बनेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इससे हमारी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी बनेगी। तो उसमें हमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऐड करना है जो कि है कर्ड। सो गाइस यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून कर्ड ऐड करूँगी। अगर आपके पास कर्ड नहीं है तो आप कर्ड की जगह मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारे स्किन में उतना ही असरदार होता है। गाइस फेस पैक इज़ रेडी नाउ। इसको आप ब्रश या तो अपने फिंगर टिप की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमें ऑल ओवर फेस और नेक में अप्लाई करना है। इस फेस पैक को फेयरनेस फेस पैक भी बोला जाता है क्योंकि इसको लगाने के बाद ना हमें एकदम इंस्टेंट ग्लोइंग और ब्राइट स्किन मिलती है गाइस, क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं आटा और बेसन, वो हमारे स्किन को अंदर से क्लीन करता है, सारे टॉक्सिन निकालता है, हमारे स्किन से जितने भी डार्क स्पॉट है, टैन है, उसको रिड्यूस करता है और हमें इंस्टेंट ब्राइट स्किन प्रोवाइड करता है। गाइस अब आपको अगर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप अपने डेली बेसिस पे आटा और बेसन का ही क्लिंजर यूज़ कीजिए, इससे आपके सारे स्पॉट, आपके एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। फेस पैक अप्लाई करने के बाद हमें इसको 20 मिनट्स के लिए ड्राई करने के लिए रखना है एंड उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लें। गाइस वॉश करने के बाद हमारी स्किन बिल्कुल इंस्टेंट ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी एंड सारे एक्ने स्कार भी कम जाएंगे। गाइस अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है तो आपको अगर एक्ने पिंपल प्रिवेंट करना है तो आप इस फेस पैक को कंटिन्यूस बेसिस पे अप्लाई कीजिए, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। नाउ वी प्रिपेयर आवर सेकेंड फेस पैक। सो गाइस सेकेंड फेस पैक बनाने के लिए अगेन हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं बेसन ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून एम्प्टी बाउल में। उसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा राइस पाउडर। राइस पाउडर को आपको दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है एंड उसको आपको 1.5 टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड करना है बाउल में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कर्ड। गाइस इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट मिल जाएगा जिसको आपको अपने ऑल ओवर स्किन में, ऑल ओवर फेस पे अप्लाई करना है। ये फेस पैक हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे स्किन को टाइटनर प्रोवाइड करता है, हमारे स्किन से पिगमेंटेशन, स्पॉट, ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है एंड हमारे स्किन को इंस्टेंट ब्राइट कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। गाइस फेस पैक अप्लाई करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए ड्राई करना है एंड उसके बाद आप इसको डायरेक्ट वॉश ना करें। आपको अपने फिंगर टिप में पानी लेना है एंड इसको जेंटली सर्कुलर मोशन में एक्सफोलिएट करते हुए इस फेस पैक को रिमूव करना है ताकि हमारे जितने भी क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम है वो इजीली रिमूव हो सके, हमारे पिगमेंटेशन रिमूव हो जाए एंड हमारे जितने भी एक्ने स्कार, पिगमेंटेशन, उस पर ये फेस पैक इजीली एक्ट करता है एंड हमें एक बेटर कॉम्प्लेक्शन स्किन प्रोवाइड करता है। सो गाइस इसको जेंटली सर्कुलर मोशन में अच्छे से एक्सफोलिएट करें एंड उसके बाद आपको वॉश कर लेना है एंड वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, बेबी सॉफ्ट हो चुकी है और आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन, टेक्सचर इन्हांस हो जाएगा इसको अप्लाई करने के बाद एंड आपके जितने भी क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम होगी वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी।
सो गाइस, ब्राइट स्किन में हमारे दोबारा डर्ट ना एंट्री कर सके तो हमें टोनर यूज़ करना ज़रूरी होता है एक्सफोलिएशन के बाद। तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर एज अ टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी कंपनी का टोनर यूज़ कर सकते हैं। हमें इसको सिंपली लेके अपने फेस पे अप्लाई करना होता है ताकि हमारा जो फेस है वो बिल्कुल ग्लोइंग और बिल्कुल टाइटन अप लगे और हमारा फ्यूचर एक्ने और फ्यूचर डर्ट से भी हमारे स्किन को टोनर प्रिवेंट करता है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड स्टे ग्लैम लव यू ऑल।